उत्तर प्रदेश में तेजी से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। प्रदेश को 16 और नेशनल हाईवे की सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दी है। केंद्र सरकार के सहयोग से ये 16 हाईवे बनने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को गोरखपुर में थे। इसी दौरान उन्होंने 16 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है। इनकी लागत 7,476.56 करोड़ रुपए की होगी। साथ ही इन 16 हाईवे की लंबाई 504.32 किलोमीटर की होगी। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है उनमें मेरठ से बुलंदशहर राष्ट्रीय राजमार्ग का 4 लेन चौड़ीकरण भी शामिल है। इसके अलावा कौड़िया से गोरखपुर बाईपास को भी 4 लेन किया जाने वाला है। प्रतापगढ़ और प्रयागराज जिले में प्रयागराज से प्रतापगढ़ के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 76 का अपग्रेडेशन होने वाला है। कानपुर जिले में RO भी बनने वाला है। इसके अलावा मऊ से जसरा तक राष्ट्रीय राजमार्ग 76 का चौड़ीकरण होने जा रहा है। इटावा और औरैया जिले में भी कुदरकोट से भरथना चौक तक राष्ट्रीय राजमार्ग 91A चौड़ा होने जा रहा है। गोरखपुर जिले में भी सिकरिनगंज से गोला के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 227 का चौड़ीकरण होने वाला है। इसके अलावा प्रयागराज जिले में फाफामऊ में गंगा नदी पर जो पुल है उसके समानांतर पुल 6 लेन पुल का निर्माण होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 60 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जितने राजमार्ग बने हैं उनकी सरकार ने 6 वर्षों में बनाकर रख दिया है। लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम से केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए थे। हमारी ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।